कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो सबसे पहले एक्टर और एक्ट्रेस ने कैसा काम किया है इस पर बात होती है। हालांकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताएंगे जो ना हीरो थे ना हीरोइन, लेकिन जब भी वो फिल्मों में आते थे तो उनके रोल को लोग जबरदस्त पसंद करते थे। कहा तो ये तक जाता था कि कई फिल्मों में तो उनकी एक्टिंग इस कदर शानदार थी कि वो हीरो तक पर भी भारी पड़ जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 से 70 के दशक के फेमस कॉमेडियन राजेंद्र नाथ की। तो चलिए जानते हैं आज ये कहाँ और किस हाल में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को हुआ था। राजेंद्र नाथ को शुरुआत में फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स ऑफर किए गए। राजेंद्र नाथ को फिल्मों में काम देने का श्रेय फिल्म मेकर नासिर हुसैन साहब को जाता है। बताते हैं कि फिल्मों में अपने कॉमिक अंदाज के चलते राजेंद्र नाथ लोगों के बीच काफी फेमस हो गए थे। राजेंद्र नाथ के फिल्मों में आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेंद्र नाथ अपने बड़े भाई प्रेम नाथ की देखा देखी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। प्रेम नाथ भी फिल्मों में काम करते थे और राजेंद्र उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आ गए। वहीं से राजेंद्र नाथ की गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने इसके बाद से पोपटलाल के नाम से स्टेज शो करने लगे थे। इस शो में वो लोगों को खास तरह के चुटकुले अपने खास अंदाज में सुनाते थे और कई लोगों की मिमिक्री करते थे। इसके बूते वो यूरोप और अमेरिका में भी फेमस होने लगे थे। साल 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी की। कुछ समय बाद वो एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद से उन्होंने फिल्म में काम मिलना बंद हो गया था। साल 1974 में उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लेकर। उन्होंने ग्रेट क्रेशर फिल्म की शुरुआत की, लेकिन वो जल्द ही भारी कर्ज में डूब गए। इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ प्रेम नाथ ने दिया था। कुछ समय के बाद राजेंद्र नाथ ने फिल्मों में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। राज कपूर की प्रेम रोग और बीवी ओ बीवी में उन्होंने अहम किरदार निभाया। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी और नीलम की फिल्म सौदा उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म थी। वो जी टीवी के पॉपुलर शो हम 5 में भी नजर आए थे। राजेंद्र नाथ ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली थी। साल 1961 में आई देवानंद की फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ ने पोपटलाल का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में राजेंद्र नाथ ने लीजेंडरी एक्टर देवानंद पर भी भारी पड़े थे। राजेंद्र नाथ ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें दिल दे के देखो, फिर वही दिल लाया हूँ, राजकुमार, मेरे सनम, तीन बहु रानियाँ आदि मुख्य हैं। आपको बता दें कि अब राजेंद्र नाथ हमारे बीच नहीं रहे। 13 फरवरी 2008 को 76 साल की उम्र में एक्टर का मुंबई में निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।